तो गाइस, दिस इज शिवम शर्मा, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और लास्ट वीडियो क्या था, आपने चेकआउट कर लिया, हायरार्किकल इनहेरिटेंस पे बताई थी मैंने, ठीक है, जिसमें मैंने एक मदर दी थी क्लास और एक सन और डॉटर, तीन क्लासेस बनाई थी, जो सन और डॉटर अपने मदर के आईज कलर और हेयर कलर को इनहेरिट कर रहा था, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस वीडियो में बता दूं, एग्रीगेशन। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो इनहेरिटेंस होता है वो क्या हमारे को रिप्रेजेंट करता है, इज आ रिलेशनशिप, और जो एग्रीगेशन होता है वो रिप्रेजेंट करता हैज आ रिलेशनशिप। अब ये हैज आ रिलेशनशिप और आपका बोले तो कि एग्रीगेशन क्या है, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एग्रीगेशन क्या है। एग्रीगेशन क्लास हैज एन एंटिटी रेफरेंस, समझ रहे हो, नहीं समझ आएगा तो बताता हूं, कोई भी क्लास दूसरी क्लास को रेफरेंस कर दे या रेफर कर दे, ठीक है, या ऐसा कह सकते हो किसी क्लास के अंदर दूसरी क्लास का रेफरेंस प्रेजेंट हो, रेफरेंस बोले तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, कि एक एग्जांपल है, ये है मेरे पीछे तेरा क्लास स्टूडेंट। अब क्या है, मैंने एक क्लास बनाई है, कौन सी, स्टूडेंट, ये क्लास है, ग्रेट। मैंने इसको एक क्या दे दी, आईडी, ठीक है, या रोल नंबर, जो भी आईडी होती है इंटीजर टाइप की दे दी, बच्चे का नाम होगा स्ट्रिंग में डाल दिया, ये देखो मैंने एड्रेस, एड्रेस और ये स्मॉल एड्रेस, ये क्या है, एड्रेस इज अ क्लास, ठीक है, एड्रेस एक क्लास है और ये स्मॉल जो अल्फाबेट से एड्रेस लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ मैंने, किसका, एड्रेस क्लास का, ध्यान से देखना, ये ए कैपिटल है, ठीक है, और ये स्मॉल है, तो इससे पता चल गया होगा वो क्लास है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। अब मैं बता दूं कि इसको कैसे किया है, ये मेरी क्लास हो गई और एक मेरी कौन सी क्लास है, उधर वाली एड्रेस वाली। अब उसमें क्या है, मेरा पिन कोड है, स्टेट है, सिटी है, ठीक है, अब वो भी एक क्लास है और ये भी एक क्लास है, तो दोनों को जोड़ा कहाँ है, इनहेरिटेंस कर देता, तो इसको मैं एक को पेरेंट कर देता और एक को चाइल्ड क्लास कर देता, यानी कि सब और सुपर क्लास का खेल हेर फेर बदल देता, तो इसमें लिंक बिल्ड हो जाता। मेरे को लिंक बिल्ड नहीं करना है, मेरे को लिंक नहीं बिल्ड करना है, लेकिन फिर भी मेरे को एड्रेस चाहिए, एड्रेस वाली प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो भैया साफ सीधी बात है, उस क्लास एड्रेस का इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बना दो, जैसे कि आप वेरिएबल बनाते हो, मेथड बनाते हो, सेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जहां आप ऑब्जेक्ट बनाते थे किसी और क्लास का, सेम आपको क्या करना है, इस बार क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है, किसी मेथड के अंदर नहीं, क्लास के अंदर। तो हमने क्या बना दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कहते हैं या इंस्टेंस कहते हैं, दोनों तीनों चीजें एक ही चीज है, ठीक है। अब एक और मैं एग्जाम्पल ले लू, एग्जाम्पल क्या, जैसे इज आ वर्सेज हैज आ, बिल्कुल प्यारा एग्जाम्पल है, इससे बिल्कुल समझ जाओगे, ठीक है। लाइक एक क्लास रॉयल इनफील्ड है, जैसे स्टूडेंट हैज अ एड्रेस और स्टूडेंट इज अ नेम, ऐसा कुछ होता है, तो वैसा उसमें आओ, इसमें समझने में थोड़ा आसानी रहेगी, वहां पे तो था कि बच्चे का एड्रेस ही होगा, यहाँ पे क्या है, मैंने एक ही दोनों एग्जांपल ले लिए, क्लास रॉयल इनफील्ड, एक क्लास बनाई मैंने रॉयल इनफील्ड, ब्रांड होगी, ग्रेट, रॉयल इनफील्ड इज अ बाइक, रॉयल इनफील्ड की एक बाइक होगी, ठीक है, या क्लास में ले लेता पल्सर, तो पल्सर इज अ बाइक, रॉयल इनफील्ड इज अ बाइक। अब क्या रॉयल इनफील्ड के पास इंजन होगा, ओके, तो रॉयल इनफील्ड हैज अ इंजन, है ना, मस्त चीज, रॉयल इनफील्ड हैज अ इंजन, यानी कि क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ब्रांड है उसका एक मशीन है जो बन रही है, उसके पास इंजन होगा, ऑफ कोर्स होगा, और ये क्या है, एक बाइक है, जी हाँ, तो रॉयल इनफील्ड इज अ बाइक, रॉयल इनफील्ड हैज अ इंजन, ग्रेट। ये क्या आपको डिस्कशन मतलब क्लियर हुआ कि नहीं, मेरे को कमेंट करके बता देना, अगर नहीं हो पाया तो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा। अब इसका मैं क्या करता हूँ, एक रियल इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ, ठीक है, अपने इक्लिप्स पे, तो एक हैजा बना देता हूँ, मतलब दोनों क्लास का, वही स्टूडेंट वाला और रेफर करके, तो मैंने एक क्लास बना ली है अपनी, एक क्लास बनाई है, एक क्लास कौन सी है, क्लास हैजा रिलेशनशिप, ठीक है, और जिसमें एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। अब मैं दो क्लास बना ले रहा हूँ, एक स्टूडेंट क्लास और एक मेरी एड्रेस क्लास, तो दो क्लास बन जाएंगी मेरी,
उसको मैं बोल दूंगा स्टूडेंट हैज अ एड्रेस, ठीक है, उसमें मैं रेफरेंस क्रिएट करके यहाँ पे आपको हैज अ रिलेशनशिप में क्या कर दूंगा, स्टूडेंट क्लास को ही सिर्फ हम कॉल करेंगे, ठीक है, एड्रेस क्लास को कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को बच्चा और उसका एड्रेस उसका नाम ही तो चाहिए, ठीक है, तो और वो दोनों एक्सटेंड भी नहीं होंगी, दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब उन दोनों में कोई इनहेरिटेंस नहीं हो रहा होगा, कोई लिंक बिल्ड नहीं हो रहा होगा, तो एक क्लास हो गई मेरी एड्रेस, ओके, और यहां आ जाएगी एक क्लास स्टूडेंट, ठीक है, एड्रेस में क्या हो सकता है, तो अगर आपको बताओ पिन कोड हो सकता है, इंटीजर टाइप का, सिटी नेम हो सकता है, स्टेट नेम हो सकता है, हम दो चीज ले रहे हैं, ठीक है, आप तीन लेके कर लेना, इंट पिन कोड तो डाल देते हैं कुछ भी, 1100, सिटी नेम डाल दूं या कंट्री डाल देता हूँ, कंट्री दिया, ठीक है, ये दो चीज हो गई हमारी। अब देखो यहाँ पे मैं आईडी लूंगा बच्चे की, इंटीजर टाइप की आईडी हो जाएगी, रोल नंबर ले लो, है ना, रोल नंबर 017 और स्ट्रिंग में ले लेते हैं इसका नाम, नहीं ले ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ ही हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट एसटी इक्वल्स टू क्या कर दूँ, स्टूडेंट, ठीक है, तो भाई ये हो गया मेरा, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट क्या करवा रहा हूँ मैं, स्टूडेंट का आईडी, ठीक है, या रोल नंबर जो बोलो आप, सारी चीजें करवाते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, और क्या करवाएंगे हम, बच्चे का एड्रेस, बच्चे का एड्रेस में हम क्या करवा देते हैं, बच्चे का पिन कोड, ठीक है, पिन कोड और एड्रेस का पिन कोड हो गया, और क्या हो जाएगा हमारा, डॉट में कंट्री, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे की दोनों चीजें मेरा एरर दे रही हैं, ठीक है, ठीक है? अब आप ध्यान से देखोगे तो मेरी दोनों चीजें क्या दे रही हैं, एरर दे रही है, पिन कोड पे भी और कंट्री पे भी, क्यों, क्योंकि पहली बात मैंने इनहेरिट नहीं किया प्रॉपर्टी एड्रेस से, अगर इनहेरिट की होती तो मेरे को पिन कोड भी मिल जाता और कंट्री भी मिल जाती, ठीक है, अब मैंने दोनों चीजें इनहेरिट नहीं किए तो मेरे पास तो है नहीं, अब मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए, तो स्टूडेंट हैज अ एड्रेस, एड्रेस के लिए मैं रेफरेंस क्रिएट करूंगा, इसका एड्रेस का, एड्रेस क्लास का मैंने क्या डाल दिया, एड्रेस, ठीक है, सेव करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, बच्चे की जो भी होगी क्या होगा, स्टूडेंट की कोड हो गया, तो यहाँ क्या करूँगा मैं, दिखाता हूँ आपको, स्टूडेंट डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड, और यहाँ कर दूंगा एड्रेस डॉट कंट्री, ठीक है, सेव
करके रन करवाता हूँ एक बार, फिर दिखाता हूँ आपको। अब देखोगे आप तो इसने क्या देखा, किसने एरर दिया, एक्सेप्शन इन दी थ्रेड मैन नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या मतलब, पिन कोड और कंट्री अभी इसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ। तो मेमोरी एलोकेट कैसे करेंगे अब इसको, आपको पता है? न्यू एड्रेस सेव करूंगा, फिर से रन करूंगा। 15 शिवम 11005 और इंडिया। क्या मेरे को बच्चे का रोल नंबर, बच्चे का नाम? अब देखो एक चीज ध्यान से देखना, मैंने क्या डाला, स्टूडेंट डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड, स्टूडेंट डॉट एड्रेस डॉट कंट्री, यानी कि जो वो एड्रेस था ना, वो एड्रेस नाम का एक वेरिएबल बन गया पहले। ठीक है, उस वेरिएबल में मेरा पिन कोड रखा था और कंट्री रखी थी। ऐसे समझो जैसे हम एरे बना रहे थे, तो एरे में से हम निकाल रहे थे वैल्यू वन बाय वन, फेच कर रहे थे। सेम लाइक दैट, एड्रेस एड्रेस में क्या होगा, पिन कोड और कंट्री, और हो सकता था स्टेट भी हो सकता। तो हमने उस हिसाब से किया। ये रहा मेरा एग्जाम्पल आपके सामने, रियल मतलब बिल्कुल इंप्लीमेंट करके दिखाया। आप अपना कुछ ट्राई करो, आप स्टूडेंट को एम्प्लॉय ले लेना, उससे ट्राई करना, जिसमें क्या डाल देना, एड्रेस की जगह कंपनी नाम डाल देना, तो कंपनी नाम दोनों का सेम रहता है, चाहे कितने भी इंप्लॉय हो। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे, राम राम।